अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी वीडियो सर्च में जाएगी, सुजेशन में जाएगी, ब्राउज फीचर में जाएगी। जब आपकी वीडियो सर्च में जाएगी, सुजेशन में जाएगी, तो उस पर व्यूज़ आएंगे। जब व्यूज़ आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आप बहुत जल्द अपने 1K सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव कर पाएंगे। बहुत से लोग बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने का उनको सही तरीका नहीं आता, जिसकी वजह से उनके व्यूज़ 15, 20, 30 पर ही अटक जाते हैं, आगे व्यूज़ बढ़ते नहीं हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी वीडियो ना तो सर्च में जा रही होती है, ना सुजेशन में। जब सर्च और सुजेशन में नहीं जाएगी तो लोग कैसे देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अच्छे टाइटल लगाते हैं, कैसे अच्छे टैग लगाते हैं कि लोग जैसे मर्जी सर्च करें, लेकिन आपकी वीडियो सर्च में आनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आपने उसको यूट्यूब पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद क्या करना है, अभी सर्च करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये यूट्यूब ओपन किया और यहाँ पर आपने सर्च, जैसा कि मैं अभी एक वीडियो बनाने लगा हूँ कि यूट्यूब पर चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पर उर्दू में भी सर्च करूँगा और इंग्लिश में भी सर्च करूँगा। तो पहले मैं उर्दू में सर्च करता हूँ कि यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका या कैसे बनाते हैं। तो मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। तो अभी मैंने के ही लिखा है, ये देख लीजिए कि आपके पास 2-3 आ गए हैं। तो इनमें से जो आपके रिलेटेड हैं, वो आपने यहाँ से लिख के एक नोट्स में लिख लेने हैं, ये आपके टैग बन जाएंगे। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद अभी मैं उर्दू में एक दफ़ा और सर्च कर लेता हूँ मैं बनाने का तरीका। ये अभी बी लिखा, तो देख लीजिए कि यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका के रिलेटेड काफ़ी कुछ आ गया है। आप यहाँ से इनको भी कॉपी कर लें, या फिर यहाँ से देख के अपने नोट्स में लिखना है। अभी मैं एक दफ़ा इंग्लिश में सर्च करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपने कैसे इसको लिखना है। तो देखिए जी, मैं अभी इंग्लिश में यहाँ से लिखता हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। मेरा टॉपिक यही है, तो मैं यही सर्च करूँगा। आपका जो टॉपिक है वो आपने यहाँ पर सर्च करना है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए कि कितने ज़्यादा टाइटल आ रहे हैं, मैंने जस्ट वाई ही लिखा है। तो हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल इन मोबाइल, तो 2020 एंड अर्न मनी, तो काफ़ी कुछ आ रहा है। तो आपने ये यहाँ से सारे कॉपी करने हैं, ये लोगों ने सर्च किए हुए हैं। तो जब आप ऐसे टैग डालेंगे, लोग यही सर्च कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो लाजमी सर्च में आएगी। तो अभी मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि आपने इनको कहाँ पर लिखना है। तो आपको एक ऐप अगर मोबाइल में आपके है, कलर नोट्स, नोट्स या कलर नोट्स इसको कहते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, 2-3 MB का है, छोटा ही है। तो आपने इसको जब डाउनलोड करना है, इसको ओपन कीजिएगा। जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे, तो देखिए ओपन इसको करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टैग लिख रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कॉमा लगा लगा के मुझे जो अच्छे लगे मैंने लिख लिए, और लास्ट पर आपने कॉमा लगा के, ये देखिए मैंने लास्ट पर लिखा हाउ टू, फिर कॉमा, फिर क्रिएट, फिर कॉमा, फिर यूट्यूब, फिर चैनल, फिर मेक, फिर मनी, फिर अर्न मनी, फिर ऑनलाइन, फिर मेक यूट्यूब चैनल। तो इस तरह आपने ना टोटे टोटे बना के छोटे छोटे लिखने हैं, ताकि लोग किसी और तरीके से भी सर्च करें ना, जैसे हमने टैग ऊपर लिखे हैं, फिर भी हमारी सर्च में आए। तो टाइटल भी आपने इन्हीं में से ही लेना है। तो अभी मैंने नीचे लिखा हुआ है टाइटल, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो जो आपकी वीडियो होगी जिस रिलेटेड, उस रिलेटेड ही आपने यहाँ से टाइटल बनाना है। तो ये देख लीजिए के टाइटल मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड अर्न मनी, वहाँ पे लिखा हुआ था, और अपनी तरफ से मैंने ऐड कर दिया ऑनलाइन, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उर्दू में भी लिखा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, ये वहाँ पे यूट्यूब पे हमने सर्च किया था, वहाँ पे लिखा हुआ था। इन उर्दू हिंदी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि थोड़ा सा दूसरों से अलग होगा तो सर्च में आएगा। तो ये चीज़ें आपने ऐसे टाइटल बना लेना है। अब आपने क्रोम पर जाना है। तो अभी आपने जैसे ही क्रोम को ओपन किया, तो आपने इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, फिर इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेना है, और फिर यूट्यूब को आपने ओपन करना है। जैसे ही आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, तो आपको ऊपर वीडियो का साइन नज़र आ रहा होगा, इस वीडियो के साइन पर आपने क्लिक करना है और अपलोड वीडियो पर दबाना है। तो जैसे ही आप अपलोड वीडियो पर दबाएँगे, तो आपने सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, यानी कि यहाँ से डॉक्यूमेंट, यानी कि अपनी गैलरी से आपने कोई फ़ाइल सेलेक्ट करनी है जो आप अपलोड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं वो वीडियो सेलेक्ट करूँगा जिसमें मैंने बताया कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो में गया, तो वीडियो में मैं जैसे ही गया, तो यहाँ पर ये मान लो कि पहली फ़ाइल है, लेट कर लो, आपकी जो फ़ाइल होगी आपने वो लेट करनी है, यानी कि यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ जो शुरू में ऊपर आ रहा है टाइटल, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जो टाइटल इधर लिखा था, ये लिखा हुआ, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा
और वहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँगा। तो ये देख लीजिए, अब मैं यहाँ पे आया क्रोम पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ से इसको कट कर देना है और यहाँ पे जो टाइटल था मेरा वो पेस्ट कर देना है। डिस्क्रिप्शन में भी आपने इसी को ही पेस्ट करना है। अब नीचे आते हैं, नीचे आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, ठीक है। थंबनेल पे आपने क्लिक करना है। ये थंबनेल मैंने बनाया है, मैं आपको अगर कहेंगे तो, बल्कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थंबनेल बनाना भी सिखा दूंगा कि कैसे अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं ताकि आपकी वीडियो पे लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी यहाँ से आपने थंबनेल को सिलेक्ट करना है। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने जो क्रिएट किया है मोबाइल पर पैसे कमाने वाला यूट्यूब चैनल बनाने का आसान तरीका, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा थंबनेल लग गया। तो इसके बाद आप पर आपने नो इट्स नॉट मेड फॉर किड पे क्लिक करना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, ये बड़ों के लिए है। तो मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद जो हमने टैग वहाँ पे बनाए थे वो टैग हमने यहाँ पे पेस्ट करने हैं। ये मेरे पास यहाँ पे ये तो टाइटल है, ये पीछे टैग पड़े हुए हैं, ये रे टैग। तो यहाँ से मैंने टैग को सिलेक्ट ऑल करके सारे कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अगर टाइटल टैग में आप अपना चैनल का नेम लिख दें तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो और ज़्यादा बेहतर है। तो आगे जी आपने क्या करना है, नीचे इसको करते हैं और ये आपको ऊपर थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है विजिबिलिटी का। यहाँ पर आपने विजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, पब्लिक पे आपने दबाना है और ये देख लीजिए कि वीडियो अपलोड हो रही है। अभी 89% हुई है, तो ये हो गई। और जैसे ही प्रोसेसिंग फिनिश और पब्लिश पे दबाना है और ये आपकी वीडियो अपलोड होगी। तो गाइज यही सही तरीका है। इस तरह अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो सर्च में भी जाएगी, सजेशन में भी जाएगी और आपके व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूं। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।